दोस्तों, ये पुलिस वाला 100 मीटर वाली स्नाइपर राइफल से एक हाइना पर निशाना लगा रहा था। जो हाइना 400 बच्चों से भरे एक स्कूल में घुस गया था, जिसे यहीं पर रोकने की कोशिश ये आदमी उस हाइना पर बम फेंक कर रहा था, ताकि ये हाइना यहां से कहीं और ना भाग जाए, जो अब तक गांव के 50 से ज्यादा लोगों को काफी घायल कर चुका था। मगर तभी पुलिस वाले की 10 साल पुरानी स्नाइपर राइफल अचानक ही जाम हो जाती है, इसलिए आदमी ने जल्दी से अपने बेटे को उसका नीरज चोपड़ा वाला जेवलिन थ्रो लाने को कहा और खुद अकेला लग गया इस खतरनाक जानवर हाइना को रोकने में, जो अब उसकी जान लेने वाला था। मगर तभी उसके बेटे ने एक कार पर चढ़कर उसकी ओर जेवलिन थ्रो को फेंका, जो ठीक आदमी के पास जाता है और वो उसे बड़े सही तरीके से पकड़ भी लेता है, क्योंकि उस जेवलिन थ्रो के डंडे पर बेहोश करने वाला एक इंजेक्शन लगा हुआ था। लेकिन वो हाइना उस इंजेक्शन वाले हिस्से को तोड़कर अलग कर देता है और फिर आदमी की पीठ को अपने पंजों से खरोच भी देता है। लेकिन अब हाइना आदमी को और कोई नुकसान पहुंचा पाता, इससे पहले ही आदमी ने उसे जल्दी से पकड़ के उसके फेफड़ों के पास बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिसका असर होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आदमी ने हाइना को अपने हाथों में कसके जकड़ा हुआ था, जो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है, और वो भी इस आदमी की बदौलत जिसने अपनी हिम्मत दिखाई।